जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि रजिस्टर को हम लोग कैसे चेक करते हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर प्लस माइनस को कैसे चेक किया जाता है, आज हम लोग जो सीखने वाले इस वीडियो में कैपेसिटर के बारे में सीखने वाले हैं कि कैपेसिटर क्या काम करता है मोबाइल फ़ोन में, उसको चेक करने का तरीका क्या रहता है, उसका मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और उसको बोर्ड में बेसिक तरीके से उसको पहचाना कैसे जाता है। हमने आपको बताया था कि अब आपकी जो क्लासेस चल रही हैं बेसिक के क्लासेस चल रही हैं, जब तक आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा, मतलब बोर्ड के अंदर जितने सारे पार्ट्स होते हैं, अगर आपको पार्ट्स के बारे में अगर आपको अच्छे से जानकारी नहीं होगी तो आपको रिपेयरिंग करना उतनी ही परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है, यदि मान लिया फ़ोन बंद हो गया, मैं कहता हूँ कैपेसिटर एक शॉर्ट होने से पूरा सेट डेड हो जाता है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि कैपेसिटर है क्या, उसको चेक कैसे करेंगे, ये बेसिक सी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उसे कैसे रिपेयर करेंगे। देखिए सर, मैं जब कैपेसिटर के बारे में आपको समझाने वाला हूँ, कैपेसिटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को फिल्टर करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो फ़ोन के अंदर सप्लाई को फिल्टर करता है। इसका काम होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर सप्लाई को फिल्टर करना। अब बात करते हैं रियल शेप। रियल शेप का मतलब क्या होता है? पहचान। इसको आप बोर्ड में पहचानेंगे कैसे? देखिए, कैपेसिटर को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये साइड में सिल्वर होता है, ये साइड में सिल्वर होता है, बीच का जो होता है ये ब्राउन होता है या ग्रे कलर का भी होता है। साइड का सिल्वर होता है, बीच का ब्राउन होता है या ग्रे कलर का भी पाया जाता है। छोटे बड़े साइज के अलग अलग साइज के होते हैं, पहला कैपेसिटर। उसके बाद दूसरा कैपेसिटर होता है जो एक तरफ से ऐसे पट्टी बनी होती है, ये पट्टी जो होती है ब्राउन कलर की होती है और ये पीछे की जो पूरी बॉडी होती है ये आपकी येलो कलर की होती है। यह बॉडी पूरी येलो कलर की होती है, यह ब्राउन कलर की पट्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पीसी कैपेसिटर। उसके बाद ये ब्राउन कलर का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनपीसी। एनपीसी का मतलब होता है नॉन पोलराइज कैपेसिटर। साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एनपीसी। येलो कलर का होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पीसी। तो साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का पाया जाता है या येलो कलर का पाया जाता है। इसमें जो येलो कलर वाला जो पीसी कैपेसिटर होता है, इसमें क्या रहता है, प्लस माइनस होता है, ये वाली पट्टी प्लस होती है, ये वाली पट्टी माइनस होती है। दूसरी बात करें पोलराइज कैपेसिटर की, येलो टाइप में होता है। एक दूसरा कैपेसिटर आपको ब्लैक शेप में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी पट्टी जो होती है, पूरी जो पट्टी होती है, ये वाइट कलर की होती है और इसकी बॉडी जो होती है पूरी ब्लैक कलर की होती है। जो वाइट कलर की पट्टी होती है प्लस होती है, ये क्या होती है, माइनस होती है। साइड में सिल्वर होता है, बीच में ब्राउन या ग्रे कलर का होता है, इसे हम लोग एनपीसी बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। ये येलो कलर वाला होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइज कैपेसिटर। अगर आप देखेंगे बोर्ड में, देखेंगे मैं आपको, देखिए बोर्ड में दिखाता हूँ, जैसे बोर्ड में देखेंगे आपका येलो कलर का लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे पोलराइज कैपेसिटर। ये जो ब्राउन कलर के मोबाइल फ़ोन में छोटे छोटे लगे हुए हैं, इन्हें हम लोग बोलेंगे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, एनपीसी बोलते हैं। येलो वाले को क्या बोलेंगे, पोलराइज कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो, ये तो मैंने आपको बताया रियल शेप। रियल शेप का मतलब होता है कैपेसिटर पहचानने में कैसा होता है, मतलब दिखता कैसा है। अब हम बात कर सकते हैं इसका डिनोटिंग लेटर की। इसका डिनोटिंग लेटर होता है सी। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सी। अब बात करते हैं इसका सिंबल की। ये इस तरीके का सिंबल होता है। ये आपका सिंबल क्या होता है, एनपीसी का सिंबल होता है। इस तरीके का सिंबल होता है, ये आपका पीसी का सिंबल होता है। ये एनपीसी का होता है, ये दूसरा सिंबल क्या होता है, पीसी का सिंबल होता है।
अब बात करते हैं डिनोटिंग लेटर, कैपेसिटर का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो सी होता है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो होता है म्यू होता है या फैरेड होता है। कैपेसिटर को हम म्यू या फैरेड से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका यूनिट क्या रहता है, फैरेड। अब बात करते हैं वर की। कैपेसिटर हमारे मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे काम करता है। एक तो सबसे पहली बात, कैपेसिटर का मेन काम जो रहता है वो होता है फिल्टर करना। इसका काम रहता है करंट को फिल्टर करना, मतलब हमारे जो करंट आता है उस करंट के अंदर प्योरिटी लाता है। उसके बाद दूसरा काम होता है इसका डीसी को पास करना, एसी को ब्लॉक करना। इसका काम होता है डीसी को पास करना और एसी को ब्लॉक करना, मतलब एसी करंट जो आता है एसी करंट को क्या कर देता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है, एसी करंट ग्राउंड से जोड़ कर देता है और जो डीसी करंट है उसे पास कर देता है। मतलब क्या काम करता है, जो भी सर्किट में लगा होगा उसे शुद्ध डीसी कर देता है, मतलब प्योर डीसी कर देता है। तीसरा काम होता है सिग्नल पास करना। क्या काम करना, सिग्नल पास करना। जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर सिग्नल आते हैं ये क्या काम करता है, उस सिग्नल को पास कर देता है। और अगर उसके अंदर वोल्टेज आएंगे तो उस वोल्टेज को रोक देगा, सिग्नल को पास कर देगा। तो ये आपके कैपेसिटर के काम होते हैं। पहला काम होता है फिल्टर करना, दूसरा काम होता है डीसी को पास करना, एसी को ब्लॉक करना, तीसरा काम होता है सिग्नल को पास करना। अब बात करेंगे कैपेसिटर को हम लोग चेक कैसे करेंगे। कैपेसिटर को चेक करने के लिए क्या रहता है, टेस्टिंग। कैपेसिटर को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर वैल्यू दे या ना दे तो ओके, फॉल्टी, बीप दे तो खराब है। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करेंगे, बीप पॉइंट पर सेट करने पर जब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे, चेक करने पर अगर यह वैल्यू देता है या नहीं देता तो सही है, अगर बीप दे देता तो खराब है। ये कैपेसिटर का चेक करने का तरीका होता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर का सर्किट में इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैपेसिटर कैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में काम करता है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैपेसिटर दो हिस्सों में लगा होता है। यह तो कैपेसिटर एक लाइन में लगा होता है, लाइन में लगने का मतलब रहता है कि कैपेसिटर या तो सीरीज में लगा होता है या तो कैपेसिटर दो लाइनों के बीच में लगा होता है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल में लगा होना। जैसे मान लिया एग्जांपल की बात करते हैं, ये आपकी लाइन है, इस लाइन में बीच में कैपेसिटर ऐसे लग गया, तो कैपेसिटर का जैसा आपको सिंबल देख रहा है उसी तरीके से आपको वर्किंग समझ में आएगी कि यहाँ से करंट आएगा, यहाँ पर आएगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि बीच में इसके दो रास्ते हो जाते हैं, ऐसे करंट आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर आपका सिग्नल होगा तो वो सिग्नल आपका पास हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर ये ऐसा कैपेसिटर जो सीरीज में कैपेसिटर होता है, ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी नेटवर्क आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो आगे पास हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लिया आगे से वोल्टेज आता है तो वो वोल्टेज को पास नहीं होने देता, वोल्टेज को वहीं रोक लेता है, सिर्फ सिग्नल को पास करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कैपेसिटर इस तरीके से लगा होता है। अब कैपेसिटर यहाँ पर करंट आता है, यहाँ पर वोल्टेज आ गया, यहाँ पर वोल्टेज आगे निकल गया। लेकिन अगर मान लिया यहाँ पर वोल्टेज के साथ में सिग्नल आ गए, सिग्नल का मतलब जानते हैं जैसे एसी के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है, एसी पल्सेज आ गई, वो मान लिया एसी फ्रिक्वेंसी ऐसे हाई लो करते हुए यहाँ पर आ जाती हैं, फिर वो यहाँ पर ग्राउंड भी हो जाती हैं। तो मतलब क्या, अगर इसके अंदर एसी करंट आ जाएगा तो ग्राउंड हो जाएगा, लेकिन जो डीसी होगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इससे क्या रहेगा, हमको सर्किट में प्योर डीसी मिलेगा, शुद्ध डीसी मिलेगा। इस तरीके से हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन में सीरीज में भी इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन पैरेलल में इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर कैपेसिटर मोबाइल फ़ोन में जहाँ पर सिग्नल पास आउट करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर कैपेसिटर आपका सीरीज में लगा होता है। ऐसा सेक्शन आपके मोबाइल फ़ोन में या तो नेटवर्क होता है या वाईफाई का होता है या ब्लूटूथ का होता है।
लेकिन जहाँ पर पैलर की बात आती है, तो पैलर का मतलब आपका कैपेसिटर लगा होगा, वो तब लगा होगा जहाँ पर आपको वोल्टेज की बात आती है, जैसे चार्जिंग सेक्शन हो गया या पावर सेक्शन हो गया, ऑन ऑफ सेक्शन हो गया, यहाँ पर वोल्टेज की बात आती है तो यहाँ पर कैपेसिटर आपका किस में लगा होता है? पैलर में लगा होता है। अब देखिए हम बात करेंगे इसको बोर्ड में, हम लोग चेक करेंगे। कैसे बोर्ड में चेक करेंगे? मल्टीमीटर दीजिए सर। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड में चेक करेंगे। बोर्ड में चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा। ये हमने मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पे सेट कर लिया। बजर पॉइंट पे सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, कैपेसिटर को चेक करेंगे। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, येलो कलर का मैंने बताया, ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को आप क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंट में रखेंगे, इसे चेक करेंगे। ये देखिए कुछ नहीं बता रहा, चेक करने पर कुछ नहीं बता रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सही है। आपका ये ब्राउन कलर का लगा हुआ, इसे आपने चेक किया, ये वैल्यू दे रहा है, सही है। अब कह दो ये तो वैसे तो जब कुछ वैल्यू ना दे तो सही रहता है, लेकिन ये रहता है कि हम इसे वैल्यू पे सही इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड में लगा होता है, हमारी सर्किट की वैल्यू आ जाती है, इसलिए हम सही मान लेते हैं इसे। देखिए ये हमारा सही है। कैपेसिटर अगर काला काला दिखता है, जल जाता है या कार्बन खा जाता है तो वो जैसे ये बीप दे रहा है, तो बीप देने का मतलब, ये बीप देने का मतलब शॉर्ट है, जो कैपेसिटर बीप देगा वो हमारे क्या है, शॉर्ट है। ये सही है, ये सही है। तो इस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, इन सारे कैपेसिटर को हम वन बाई वन करके क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने कैपेसिटर के बारे में सीखा, क्या सीखा, कैपेसिटर के बारे में, कि किस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, कैपेसिटर को वन बाई वन करके चेक करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। इस तरीके से आपको एक एक करके जो भी सारे चैप्टर हैं, सारे चैप्टर की आपको वीडियो मिलती रहेगी, आप उनको देखिए, देख वीडियो को देखने के बाद शेयर करिए, और उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो आती है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करके, मुझे आप फ़ोन करके, या आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या चीज़, अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आज मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया। थैंक यू दोस्तों, कल हम लोग सीखेंगे कॉइल के बारे में, अगला टॉपिक होगा हमारा कॉइल।